जब हम फोटोशॉप का 2020-21 या आगे का कोई वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो हम पुराने जो ग्रेडियंट्स और पैटर्न्स होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक नई इमेज बनाते हैं और हम इसको फिल करते हैं किसी पैटर्न से। तो एडिट मेन्यू में जाके फिल, और यहाँ पे हम जब पैटर्न सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हमें सिर्फ ये तीन फोल्डर है पैटर्न के, इसके अलावा पुराने पैटर्न हमें यहाँ पे शो नहीं होते। और यहाँ पे अगर हम इस सेटिंग्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी हमें पुराने पैटर्न वापस लाने का कोई तरीका नहीं दिखता है। तो पुराने पैटर्न्स को वापस ऑन करने के लिए हमें सिर्फ एक तरीका मिलता है। हम जाते हैं विंडो मेन्यू में और यहाँ पे हम पैटर्न्स विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पे ये जो थ्री लाइंस बनी हुई है इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिलता है लीगेसी पैटर्न्स एंड मोर। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एक फोल्डर और आ जाता है लीगेसी पैटर्न्स एंड मोर। इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें हमें 2019 के पैटर्न मिल जाएंगे और यहाँ पे 2018 और उससे पुराने सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पुराने पैटर्न्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसको फिल करें एडिट मेन्यू में जाके तो यहाँ पे हमें पूरे पैटर्न शो होंगे। इसी प्रकार से अगर हम ग्रेडियंट्स फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे हम ग्रेडियंट्स को देखते हैं तो यहाँ पे भी सिर्फ नए ग्रेडियंट्स हमें दिखाई देते हैं, पुराने ग्रेडियंट्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाई देते हैं और यहाँ से हम इसको वापस नहीं ला सकते। तो इसके लिए भी हमें विंडो मेन्यू में जाना है और यहाँ पे ग्रेडियंट्स का बॉक्स ओपन करना है और यहाँ पे हमें फिर से ये जो थ्री लाइन बनी हुई है इस पे क्लिक करके लीगेसी ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पुराने ग्रेडियंट्स का फोल्डर शो होने लग जाएगा और यहाँ से हम पुराने ग्रेडियंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट पुरानी शेप शो नहीं होती, तो विंडो मेन्यू में जाएंगे और शेप्स पे जाएंगे और यहाँ पे ये सिर्फ चार फोल्डर शेप्स के शो हो रहे हैं। तो पुराने पूरे शेप्स एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे ये जो तीन लाइन बनी हुई है इस पे क्लिक करेंगे और लीगेसी शेप्स एंड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर हम 2019 या उससे पुराने जो भी शेप्स हैं इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।